हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल टॉप ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणाकार आरेख या ट्रायंगुलर डायग्राम। ये जो त्रिकोणाकार जो आरेख होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज की आकृति की तरह होते हैं और इन्हें त्रिधारी आरेख के नाम से या त्रिकोणाकार आरेख के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी जो तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 100% होता है। इसलिए जो आंकड़े हम लोग पढ़ते हैं, उन आंकड़ों में तीनों संख्याओं का कुल योग होता है वो 100 रहता है। तो इस डायग्राम को बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 1978 में भारत में समाचार पत्रों के परिसंचरण के निम्नलिखित आंकड़ों को त्रिकोणाकार आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं, भारत में समाचार पत्रों का परिसंचरण 1978, ये 1978 के आंकड़े हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट आंकड़े हैं तो हम उनसे भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में 1978 के आंकड़े दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको 1978 के आंकड़ों से इसको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भाषाएँ दी गई हैं, तो आप जानते होंगे कि ये जो भाषाएँ दी गई हैं, ये अलग अलग राज्य में बोली जाने वाली भाषाएँ हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली बंगाल में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, मराठी महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू अधिकांश जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अब ये जो भाषा दी गई हैं, इन भाषाओं के आधार पर 1978 में कितने समाचार पत्र कहाँ कहाँ छापे जाते थे, तो उनका विवरण ये दिया गया है। हिंदी की बात करेंगे तो दैनिक समाचार पत्र यहाँ पे 25% छापे जाते थे हिंदी भाषा में, और जो साप्ताहिक समाचार पत्र हैं हिंदी में, वो 31% छापे जाते थे, और 44% जो समाचार पत्र हैं वो अन्य सामायिक पत्रिकाएँ छापी जाती थीं। ऐसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो 28% दैनिक समाचार पत्र, 17% साप्ताहिक समाचार पत्र और 55% अन्य सामायिक पत्रिकाएँ यहाँ छापी जाती थीं। तो इसी प्रकार से अलग अलग भागों में ये दी गई हैं। दैनिक समाचार पत्र, जैसा आप जानते होंगे, इन्हें डेली न्यूज़पेपर्स कहते हैं, वीकली न्यूज़पेपर होते हैं और एक अदर मैगजीन्स रहती हैं। तो इस आधार पर ये आंकड़ों को हम बांट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि इन तीनों का टोटल 100 होगा, 25 + 31 + 44 बराबर यहाँ पे 100 रहता है। तो आप किसी का भी टोटल करेंगे तो वो 100 होता है। ये क्वेश्चन पूरा दिया गया है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो आप इसे ड्राइंग की शीट पे बना सकते हैं या आप इसे ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं। हमें, अगर आप ड्राइंग की शीट बना रहे हैं, तो आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखा इधर खींचनी है। पहले 10 सेंटीमीटर की रेखा आप यहाँ नीचे खींच लीजिए। और 10 सेंटीमीटर रेखा आप इधर ले लीजिए। अब आपको करना यह हुआ कि त्रिभुज बनाने के बाद में आप एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लीजिए। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी निशान आते हैं, और अगर आप लोग इसे ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर आपको त्रिभुज बनाना होगा, और एक एक सेंटीमीटर पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब आपको करना ये होगा कि ये जो एक सेंटीमीटर इधर का भाग इनको आपस में मिलाइए। इस प्रकार से ये इसके भाग कर लीजिए, और उसी प्रकार इधर से पहला इसका पहले
जब आप इसको नाप करके बनाएंगे तो ये एकदम बिल्कुल सही भागों में बटेगा। इस प्रकार से जब हम लोग इनको बनाते हैं, और हमने अभी जैसे पहले इन रेखाओं को मिलाया आपस में, इसके बाद हमने फिर इन रेखाओं को मिलाया, इन रेखाओं के बाद फिर हमें ये रेखाएं मिलानी पड़ती हैं, जैसे कि मैं आपको ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले एक इस प्रकार से एक बेब या जाल तैयार हो जाता है, और ये बेब या जाल बनाने के बाद में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर जब आप देखेंगे तो तीन प्रकार की अलग अलग पत्रिकाएँ हैं, जैसे दैनिक समाचार पत्र है तो नीचे हम लोग लिख देते हैं दैनिक समाचार पत्र का परिसंचरण, दूसरा है इसी में साप्ताहिक समाचार पत्र, तो हमने ये इधर लिख दिया है साप्ताहिक समाचार पत्र का परिसंचरण, तीसरा है अन्य सामायिक पत्रिकाएँ, तो हमने इधर लिख दिया अन्य सामायिक पत्रिकाएँ का परिसंचरण, और यहाँ पर हमने प्रत्येक पे नंबरिंग कर दी, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे इधर भी लिखेंगे, यहाँ भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे ही 0 से लेके 100 तक हम इधर भी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद में जब हमारी नंबरिंग हो जाती है और नाम हम लिख देते हैं तीनों पर, तो तीनों भुजाओं का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों जो भुजाएँ होती हैं उनका जो कुल योग होता है वो 100% होता है। अब ये जो भाषाएँ हैं, कौन सी भाषा की पत्रिकाएँ कहाँ पर आएंगी, यह यहाँ से देख करके ये निर्धारित किया जाता है। जैसे आप समझिए कि वो कह रहा है हिंदी, दैनिक समाचार पत्र कितने 25 हैं, तो आप देखिए दैनिक समाचार पत्र यहाँ से आपको आंकड़े लेने होंगे, तो 25 कहाँ से आएगा, 20 और 30 के बीच में यहाँ 25 होगा, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग चलेंगे बीच में। इधर से कौन सी वो लाइनें होंगी, तो यहाँ 31 है, 31 है साप्ताहिक, तो 31 के लिए ये हो गया 30 और ये 40, तो थोड़ा ऊपर आप चलेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक एक सेंटीमीटर के कॉलम है, तो इसके बीच में भी 10 mm की अलग अलग आप रेखाएं बना सकते हैं 1 mm पे, या फिर आप लोग अंदाजे से नाप कर भी ले सकते हैं। तो 30 के ऊपर 31, इधर से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और इधर से आप देखेंगे तो 25, 20 और 30 के बीच में जो 25 होगा बीच में इधर चलना पड़ेगा, और दोनों ही आपस में क्रॉस होंगी, यानी कि आपका 31 इधर से आएगा और इधर से आपका 25 आएगा, दोनों क्रॉस होंगी। अब ये जो क्रॉस कहाँ होंगी, ये तीसरा आपको ये टेबल भी देखनी पड़ेगी जो 40 से 50 के बीच में आ रही है, तो आप कितना है 44 है, तो यहाँ पर 40 या 50, तो यहाँ पर 44, इधर से आप 44 लेंगे, तो देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है पहले से ये 44, और इधर से जब आपने देखा तो इधर इस वाले में देखो आप 31, तो इधर से 31 आया और इधर से 25 आया, तो तीनों रेखाएं जहाँ आपस में क्रॉस होंगी, यहाँ क्रॉस हो रही हैं वो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी, क्यों, वो हिंदी को यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही अगला हम लोग देखेंगे, अगला एग्जाम्पल है इंग्लिश या अंग्रेजी, तो दैनिक समाचार पत्र कितने हैं, 28 हैं, 28, तो देखिए आप 20 और 30, तो 30 से 2 mm पहले यहाँ 28 के लिए ऊपर चलेंगे, और आगे कितना कह रहा है वो 17, तो 17 के लिए हम लोग क्या करें, देखिए आप लोग साप्ताहिक में 17 कह रहा है, तो 10 और 20 से यहाँ 17 होगा, तो देखो दोनों रेखाएं आ रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। अब इस वाले इधर से भी हमें आंकड़े लेने होंगे, कितना है 55, तो यहाँ से 50-60 बीच में 55 होगा, उसके बीच में हम लोग यहाँ निशान लगा देते हैं, तो ये तीनों तरफ से क्रॉस हो रहा है, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, तो जहाँ पर पॉइंट आता है वहाँ हम इसको पॉइंट को लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ बना दिया। इसी में हम तीसरा उदाहरण समझ लेते हैं बंगाली, तो बंगाली दिया गया है दैनिक समाचार पत्र 32, तो दैनिक समाचार पत्र देखिए 32, तो ये 30 है, ये 40 है, तो 32 यहाँ आएगा, तो इस वाली हम लाइन में चलेंगे, और वो कह रहा है साप्ताहिक कह रहा है 25, तो आप लोग देखें कि ये 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, तो इस प्रकार से आप आइए, तो यहाँ, और इधर से हम लोग देखेंगे कि अन्य में कितना है 43, तो ये 40 है, ये 50 है, तो 43,
तो यहाँ पे आकर के वो क्रॉस हो गई तीनों रेखाएं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया बंगाली। इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं यहाँ दी गई हैं वो सारी की सारी भाषाएं आंकड़ों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। और आंकड़ों के आधार पर ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा त्रिकोणाकार आरेख। ये त्रिकोणाकार जो आरेख होता है, इस आरेख में हम लोग किसी भी ईयर के हमारे पास आंकड़े अवेलेबल हैं तो उस आंकड़ों के आधार पर हम लोग इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग एक नया प्रैक्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।